पिताश्री कहिए बेटी लाजवंती, आप और इस वक्त यहाँ? हाँ। अगर कुछ जरूरी ही काम था तो मुझे अपने पास बुला लिया होता, आपने यहाँ पे आने का कष्ट क्यों किया पिताश्री? नहीं बेटी, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ। तुम कहती हो पिताश्री अगर कोई काम था तो मुझे वहाँ बुला लिया होता। हाँ। तुम यहाँ चल करके आए हो ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। लेकिन बेटी आज तुम्हारा काम नहीं है, आज इस आभागा पिता का यहाँ चल के आने का एक कारण है। क्या कारण है पिताश्री? बेटी मैं कोई भी लफ्ज कोई भी बात कहना चाह रहा हूँ लेकिन मुख से बाहर नहीं आ रही है, गले में अटक करके रह जाती है। बेटी कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन कह नहीं पा रहा हूँ। आप जो भी कुछ कहना चाहते हो साफ साफ शब्दों में कहिए पिताश्री, आप इतने परेशान क्यों हो, आखिरकार बात क्या है? बेटी लाजवंती, अगर मैं उस बात को तेरे सामने रखूंगा और तुझे बताऊंगा, हो सके तू कभी इनकार कर दे तो बेटी मैं आज बड़ी विपता में हूँ। बताइए तो सही, आखिरकार बात क्या हुई है पिताश्री, क्यों इतना दुखी हो, मैं क्या आपकी मदद कर सकती हूँ? सुनना चाहोगी बेटी? जी पिताश्री। सुनिए मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। हेलो, हेरी तेरे पाया मैं धरू ताज से, नहीं पिताश्री, तू ते आज राख दे मेरी लाज से, ये आपके सर का ताज मेरे पैरों में इसकी जगह नहीं है, ये आपके सर में शोभा देता है पिताश्री, आप ऐसा मत करिए। माता पिता का दर्जा भगवान से भी ऊंचा होता है, और एक पिता अपने बेटे के पैरों में अपने ताज को ऐसे रखता हुआ अच्छा नहीं लगता। सुनिए मेरी बात। सही है बेटी। ससुर का जी पूजा में स्थान प्रथम होता ब्याहे वर का जी, जाए से संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी, जाए से संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी, जाए से संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी।
पहलम तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में, पहलम तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में, पहलम तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में। यार ये मात पिता से ज्यादा प्यारी, मात पिता से ज्यादा प्यारी, पत्नी का अधिकार हो से। यार ये शक्ति वीर तो जद्दी मर्द के, शक्ति वीर तो इस दुनिया में जीने का आधार हो से, प्राणपति तो इस दुनिया में जीवन का आधार हो से। यारी आन बान कुल की मर्यादा हुआ करे ते दान ते जाता, आन बान कुल की मर्यादा हुआ करे से जान से जाता। तारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में, तारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में, तारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में। पार बसावे होनहार बलवान बतावे, फिर मानस की न पार बसावे। यो करे देश का फेरा, तेरे पाया में धरो ताज से, तेरे अच्छी तरह जानती हो कि मैंने अभी अपने पति से दो बातें भी हंस के नहीं की हैं, और आप मेरे पति को दान में मांगने के लिए आ गए हो पिताश्री। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते पिताश्री, बताइए मुझे। ए बेटी लाज बनती, मैं असमर्थ हूँ बताने में, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अगर वो दो साधु मेरे मांस के लिए कहते तो मैं खुशी खुशी अपने आप को भेंट चढ़ा करके अपने मांस को शेर के सामने डलवा देता। लाज बनती मैं मना नहीं करता, लेकिन मेरे सामने उन्होंने शर्त लगाई है कि अगर हमारा ये कई रोज का भूखा शेर मांस खाना चाहता है
तो सिर्फ और सिर्फ आपके बेटे का मांस खाना चाहता है। ये कैसे मोड़ पे लाके आपने मुझे खड़ा कर दिया पिताश्री? अभी मेरे हाथों की मैंने नहीं छुट्टी और ना ही मेरे हाथों का कंगड़ा खुला है, और आप मेरे पति को दान में देकर आए हो। अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी मां का सिंदूर मिटाकर बिना सिंदूर के रहूं, नहीं बेटी नहीं चाहता, तो मंजूर है पिताश्री, मंजूर है। नहीं लाडो, अगर आप चाहते हो कि मैं अपना ये शादी का जोड़ा उतार एक विधवा का जोड़ा पहरूं, नहीं बेटी लाडो नहीं, मंजूर है पिताश्री, मंजूर है। जाइए पिताश्री जाइए, आपकी बेटी आपकी लाडो आपको अपने पति का दान देती है, जाइए। लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुनते जाना कि अगर वो संतों का भूखा शेर मेरे पति के मांस के भोजन से ना झिके तो एक काम कर देना पिताश्री कि आप अपनी इस बेटी को अपनी इस लाडो को काट कर शेर के आगे डाल देना, आपकी बेटी कभी मना नहीं करेगी, कभी मना नहीं करेगी। लेकिन मैं उस भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जैसा आज हमारे साथ हो रहा है ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, क्योंकि किसी ने कहा है पिताश्री कि किसी ने किसी से कहा कि किसी का जुदा हबीब ना हो, कि किसी ने किसी से कहा कि किसी का जुदा हबीब ना हो। और बेटे का दर्द वो है पिताश्री जो दुश्मन को भी नसीब ना हो, जो दुश्मन को भी नसीब ना हो। जाइए पिताश्री जाइए। हे परमात्मा, ये सारा दृश्य दिखाने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मुझे उठा ले परमात्मा, मुझे अपने पास बुला ले, लेकिन ये दृश्य मत दिखा। इस संसार के अंदर धनो बेटी लाजवंती और धनो तरुण माता पिता को जिन्होंने तुझे जन्म देकर के पाल पोष करके इतना बड़ा किया। सजनों मेरे बुजुर्गों, बेटी लाजवंती ने कह दिया अगर पिताश्री तुम्हारी मेरे पति को दान में देने से इज्जत बचती हो लाज बचती हो तो मैं अपने पति को राजी राजी खुशी खुशी दान में देती हूँ। और जाइए अपने वचनों को पूरा करिए। साथियों यहाँ तक भी कह दिया अगर पिताश्री मेरे पति के मां से वो कई रोज का भूखा शेर अगर नहीं झिके तो मुझे भी चीर करके उसके सामने डाल देना ताकि आपके वचन पूरे हो जाए और हमारा जीवन धन्य हो जाए। साथियों इतनी बड़ी बात कह दी और किसी गरीब ने कहा है क्या? अरे भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालो भूलो भलो, औलाद वालो भूलो भलो। रोज का भूखा शेर जिमाना से मेरे पति ते जो मेरे पति ते नहीं झिकते मेरा मांस खाना से, मेरे पति ते नहीं झिकते मेरा मांस खाना से, मेरे पति ते नहीं झिकते मेरा मांस खाना से। अरे जिसने बेटी जन्म दिया ना, जिसने बेटी जन्म दिया, अरे धन्य धन्य तेरी जननी माई, छाती ते चुप काली बहु आख्या के माँ आंसू लाई, इंद्रपाल जोड़ी वाला, इंद्रपाल जोड़ी
कोन्या भेद किसी को पाया, हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया, कोन्या भेद किसी को पाया। Say